तो क्या आप भी बाबा जान से बगावत करेंगे? नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। मैंने तो कभी अपनी नफ्स के साथ कोई बेहयाई नहीं की, तो फिर आखिर ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? कब तक हम बाबा जान के इमोशनल ब्लैकमेल का निशाना बनते रहेंगे? अगर फैसला जिंदगी और मौत पर होना है तो मैं मौत को हंसी खुशी अपने हक में कबूल कर लूंगी। एक बार मैं उसे शादी करके इस घर में ले आऊं, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे मुझसे नहीं छीन सकती। मरवा ना देना यार। क्या सोच रहे हो? काफी देर से सोचों में डूबे हुए हैं। ईमान के बारे में सोच रहे हैं? अब्बाजान ने फहान को आग करने का फैसला कर लिया। क्या? हाँ, और ये हुक्म दिया है कि उनके वापस आने तक उनके वकील के जरिए ये काम हो जाना चाहिए। अब क्या होगा अफा? पता नहीं, वही सोच रहा हूं कि क्या करना है। इतनी नफरत क्यों है बाबा जान के दिल में? बात सिर्फ नफरत तक महदूद होती तो क्या ही अच्छा होता। मसला तो यह है कि हम सबको उनसे मोहब्बत भी है, तो फिर वो किसी को आग करें या किसी से नफरत करें क्या फर्क पड़ता? लेकिन बाबा जान को हम सबकी मोहब्बत क्यों नहीं नजर आते? ये सवाल तो उन्हीं से करने वाला। कौन करेगा उनसे ये सवाल अफाक? कौन जाके उनको बताएगा कि वो गलत है? मुझे तो बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मिनाल भी है, उसको भी तो बचाना है। दुख होता है अफाक, दुख होता है ये सोच के कि बाबा जान की सोच मिनाल के लिए ऐसी है। शादी करना तो हर मर्द और औरत का फितरी हक है। अगर मैं मिनाल की जगह होती ना तो हो सकता है तुम्हारी इस बात में कोई सजेशन हो, कोई ऐसी चीज हो जिससे मिनाल का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता। अगर मैं मिनाल की जगह होती ना तो कोर्ट में जाती, मीडिया में जाती, सब लोगों को चीख चीख कर बताती कि देखो देखो मेरे बाप की सोच क्या है मेरे बारे में। सच है, खुदा किसी को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा दुख नहीं देता, इसीलिए तुम मिनाल की जगह नहीं हो। तो वो बेचारे जिस तरह से मुंह बंद करके ये सारी मुसीबतें सह रही है, अगर तुम उसकी जगह होती ना तो अभी तक अब्बाजान सदमे से जल बसे होते। मुझे तो लगता है कि बाबा जान के होते हुए मिनाल को अपनी जिंदगी में कोई खुशी नहीं मिली। और अगर मिनाल ही जिंदा ना रहे तो क्या मतलब? अब्बा जान के तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या सोच रहे हैं आप अफा? क्या करने वाले हैं? सोचूं कि मिनाल को खत्म कर दिया जाए। क्या हो गया है आपको अफा? आप होश में तो हैं? मिनाल की मौत सिर्फ अब्बा जान को बताने के लिए होगी। हकीकत में हम उसे यहाँ से कहीं दूर भेज देंगे जहाँ वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी बसर करेगी। तुम क्या सोच रही हो? अफाक, आपने मेरी जान निकाल दी थी। ये बताओ प्लान कैसा है? प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन जितनी आसानी से आपने मुझे ये प्लान बता दिया है क्या उस पर अमल भी कर सकेंगे? अजमल, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन इससे पहले वहां का कुछ करना होगा। क्या सिखा है तुमने मेरे भाई को? चले जनाब, आपसे तुम पर तो आई तो अगर तुम्हारी माँ को कुछ हो गया तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
और अगर वो बच गई ये समझना कि मैं तुम दोनों के लिए मर गया। रजिया जी, बीबी जी मुझे एक कप चाय बना लो। जी अच्छा सुनो। जी बीबी जी अच्छी तरह से पकाना चाय। जी ठीक है, बात सुनो। जी बीबी जी चाय को 15 मिनट तक पकाना। 15 मिनट तक चाय पकाओ? इतनी देर में तो वो सूख के मुक जाएगी बीबी जी। मुकती है तो मुकने दो। मैंने कहा ना तुमसे चाय को सिर्फ 15 मिनट तक ही पकाना। अब जाओ। जी मुझे तो बीबी जी की सेहत हालत पे शक होता है। हेलो, क्या सिखा है तुमने मेरे भाई को? चले जनाब, आपसे तुम पर तो आई तो अब मेरा मतलब है आपने। बड़ी जल्दी बदल जाती हूँ। वो बीबी जी चाय मीठी पियेंगी या नमकीन? मुझे क्या पता, नहीं पीनी मुझे चाय। भागवत सब खैरियत है ना? खैरियत ही तो नहीं है। बाबा जान की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, वो बल्कि कुछ ज्यादा ही ठीक है। बात को घुमा के करने वाली आदत आपकी अभी तक नहीं गई। अच्छा एक और बात करूं घुमा के, जरा ध्यान से सुनना। जी कहिए। अब्बा जान तुम्हें आग करने वाले हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो फिर तो हो गई रहेगा। अगर बाबा जान ने ठान लिया तो उन्हें कौन रोकेगा? तुम रोकोगे, क्योंकि उससे पहले तुम खुदकुशी कर लोगे। जी देखो अब्बा जान ऑपरेशन थिएटर से अपने रूम में आ चुके हैं। ऑपरेशन थिएटर फारिग है, मैं डॉक्टर साहब से बात कर लूंगा कि वो अब्बा जान को आके बताएं कि उनके बेटे की सांसें खत्म हो गई हैं। अब्बा जान की तो जान निकल जाएगी ना, इतनी देर में नर्स दौड़ी दौड़ी आएगी और आकर कहेगी पेशेंट की सांस चल पड़ी है। अब्बा जान फौरन खड़े हो जाएंगे, हाथ दुआ के लिए उठा लेंगे, तुम्हारे लिए दुआ मांगेंगे। और ये बात तो तुम जानते हो कि अल्लाह ताला कभी भी बाप की बेटे के लिए दुआ को रद्द नहीं करता। कैसा है प्लान? क्या फाग भाई, जो तो मेरी जान ही निकाल दी थी। वो क्या है कि पिछले 5 मिनट मेरा दिमाग बहुत तेज चल रहा है। 2 गेम प्लान बनाए मैंने और दोनों के दोनों सॉलिड। तो कब से इम्प्लीमेंट हो रहा है इस प्लान पे? इम्प्लीमेंटेशन तो सिर्फ तभी हो सकती है जब तक अब्बा जान हॉस्पिटल में मौजूद है। कल शाम को करें क्या? कल शाम में मैं बिल्कुल फ्री हूँ।
डन डन डॉक्टर साहब देख लीजिए, प्लीज संभाल लीजिएगा। मुझे तो सिर्फ जाके कहना है, मैं तो कह दूंगा, संभालना तो इन्होंने, एक्टिंग तो इन्होंने करनी है। उसकी आप फिक्र मत करें डॉक्टर साहब, बहुत एक्टिंग की है मेरे लाइफ में, कॉलेज की ऑडिटोरियम से लेके गर्लफ्रेंड के घर तक। चलें फिर हम। हाँ जी डॉक्टर साहब, चलिए चलो भाई, गुड लक। हाँ ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फहम क्या हुआ फहम को? जैसे उसे पता लगा अब्बा जान ने उसे आग कर दिए, उसने जहर खा के खुदकुशी कर ली। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं उसे हॉस्पिटल लेके आया हूँ, लेकिन वो I'm sorry, हम आपके बेटे को नहीं बचा सके। क्या 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 अम्मा जान, क्या अम्मा जान, अम्मा जान, अम्मा जान, उठिए उधर, आपकी वालदा को हार्ट अटैक हुआ है। What? अभी अभी क्या हुआ मामा जान को? अपने माँ बाप के साथ इतना घिनौना खेल खेलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम्हारी माँ को कुछ हो गया तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अगर वो बच गई ये समझना कि मैं तुम दोनों के लिए मर गया। क्या हो गया तो आज पता चल गई फाहम, हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं मगर अपनी तकदीर को नहीं। हमारे नसीब के दुख हमें खुद ही सहने पड़ेंगे। बस 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 बस, अच्छा हुआ मिनाल तुम आ गई, इसे जरा पकड़ो, मैं इसका फीडर बना के लाती हूँ। बस बस बस, चुप भी कर गई, मामा कर गई। मुझे लगता है
कि अब हमारे नसीब बहुत अच्छे होने वाले, क्योंकि अब हम बाबा जान को समझा भी लेंगे और मना भी लेंगे। हेलो फहाम भाई, मैं मिनाल बात कर रही हूँ। क्या क्या कह रहे हैं आप ये फहाम भाई? क्या मतलब है फहाम भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं मिनाल, क्या हुआ? भाभी फहाम भाई। हेलो जी फहाम, कैसे? अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ है? वो मजन को हार्ट अटैक हुआ। मिनाल मिनाल नहीं, इस तरह से नहीं रोते। भाभी भाभी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं इस घर में ना होती तो इस घर में खुशियां ही खुशियां होती। सब मेरी वजह से हो रहा है भाभी। कुछ तुम्हारी वजह से गलत हो रहा है, क्यों ऐसे सोच रही हो? नहीं भाभी, यही हकीकत है, सब यहाँ गलत मेरी वजह से ही होता है। अच्छा बस बस चुप कर जाओ। देखो इधर मेरे, ये वक्त इन बातों का नहीं है, ना ही इस तरह से रोने धोने का, समझे? इस वक्त अम्मा जान को हमारी दुआओं की जरूरत है। दुआ करो कि वो जल्द सेहतियाब हो जाए। लेकिन भाभी, अल्लाह ताला मेरी कोई दुआ पूरी नहीं करता, कोई दुआ नहीं सुनता है वो मेरी। शायद मुझे ही किसी की बददुआ। क्या सोच रहे हो तुम सलमान? तुम उस लड़की को घर से भगाकर शादी करना चाहते हो? तुम्हारी नजर में ये फेयर है? मेरी तकदीर में जितने भी गम होंगे सब हंस के गुजार लूंगी, लेकिन अल्लाह मेरी माँ को जिंदगी दे दे। आप इंस्पेक्शन करके मुझे रिपोर्ट करें। ठीक है वो मैं अप्रूव कर दूंगा। सलमान, अच्छा मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ओके। क्या हुआ मामा? तुमने अपने डैड से क्या कहा है? ओ, तो डैड ने आपसे शिकायत कर दी मेरी। सलमान कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो क्या? अच्छे खासे हुआ करते थे, क्या हो गया तुम्हें? तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? आप बैठे बैठे। क्या बैठूं मैं? पहले तो मुझे ये बताएं, आपने मिनाल को देखा था? कौन मिनाल? अरे मिनाल, सुहानी, सुहानी मिनाल। मामा जिसे हम देखने गए थे ना, उसका असल नाम मिनाल है। बताएं कैसी लगी आपको? मुझे तो जरा भी पसंद नहीं आई वो। ये तो आप गुस्से में कह रही है ना? हाँ गुस्सा है मुझे, क्योंकि जिस घर से हमें एक बार बेइज्जत करके निकाला गया, वहां तुम फिर से रिश्ता जोड़ना चाह रहे हो। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमें जिंदगी भर जिल्लत का सामना करना पड़े। अरे नहीं मामा, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक बार मेरी उसे शादी हो जाए ना, फिर मैं उसे उसके मगरूर बाप से नहीं मिलने दूंगा, और फिर हमें भी उसके सामने जाने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या सोच रहे हो तुम सलमान? तुम उस लड़की को घर से भगाकर शादी करना चाहते हो? तुम्हारी नजर में ये फेयर है? अगर उसके बाप ने कोई लीगल एक्शन ले लिया तो हम तो अपने खानदान वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्या कहेंगे हम लोगों को कि हमारे बेटे ने इतनी गिरी हुई हरकत की है कि उस लड़की को भगाकर उससे शादी की है?
मामा एक बार मेरी शादी हो जाए ना तो उसका बाप कोई लीगल एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं होगा। वो तो खुद अपनी बेटी को दुनिया से छुपा रहा है। और मुझे एक बात बताएं, आपको अपने बेटे की खुशी की फिक्र है या दुनिया की बातों की? मुझे सिर्फ तुम्हारी डैड की इज्जत का ख्याल है। तुम जानते हो तुम्हारी ये बात सुनकर वो कितना दुखी हुए हैं आज? आज से पहले उन्होंने कभी मुझसे तुम्हारी शिकायत नहीं की, लेकिन आज वो आज बेबस हो गए थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी बात मुझसे की। आज जिंदगी में पहली बार मैंने उनकी आंखें भीगी हुई देखी। उन्हें इस बात का खदशा है कि अगर खुदा ना खासना तुमने ऐसी हरकत कर ली तो वो दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। सलमान, क्या तुम अपनी जिद और पसंद की वजह से अपने डैड का सर शर्म से झुकाना चाहते हो? उस आदमी ने अपने घर के अंदर हमारी बेइज्जती की, घर से बेइज्जत करके हमें बाहर निकाला, लेकिन तुम्हारे डैडी को कोई अफसोस नहीं हुआ क्योंकि उसकी उस हरकत से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस इंसान ने अपना ज़र्फ दिखाया, अपना अखलाक दिखाया, लेकिन अगर तुमने ऐसी हरकत की तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सलमान, हम किस किस को समझाएंगे, किस किस को जवाब देंगे कि क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा करना पड़ा? हमारी शराफत और इज्जत पर ताक लग जाएगा। क्या सिर्फ तुम अपनी पसंद और जिद की वजह से अपने डैड का सर शर्म से झुकाना चाहते हो? मैं डैड से खुद बात करूंगा अकेले। कल तुम ये कहकर गए थे कि तुम रात को मेरे पास रुकोगे, आना तो दूर की बात, एक फोन तक नहीं किया कि तुम नहीं आ रहे। हम लौट गए, हम बर्बाद हो गए। आफाक, क्या हुआ है बताओ तो सही। अम्माजान को हार्ट अटैक आया। क्या, ये कब हुआ? सब मेरी गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए था। क्या 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 किया है तुमने आफाक, बोलो तो सही, हुआ क्या है, तुम हो कहाँ इस वक्त? हॉस्पिटल में हम सब, और डॉक्टर कोई तसल्ली नहीं दे रहा। हॉस्पिटल? ओह माय गॉड, किस हॉस्पिटल में हो? मैं भी आती हूँ। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल भी मत आना। अब जान को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो एक नई कहमत आ जाएगी और फिर कुछ भी नहीं बचेगा। आफाक, तो मुझे इन्फॉर्म करते रहना अम्मा जान के बारे में, सुन रहे हो ना तुम? अच्छा, सब ठीक है ना? उनकी कंडीशन स्टिल बहुत क्रिटिकल है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैंने इस ड्रामे में आप लोग का साथ क्यों दिया। हमारी एक जरा सी गलती ने उनको मौत की दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया। सब कुछ मैंने किया है डॉक्टर साहब, कुछ ज्यादा दुख किसका होगा इस सबका। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कुछ हो गया तो आप लोग इस बात का रिवील नहीं कीजिएगा किसी से, वरना मेरा कैरियर दांव पे लग जाएगा। डोंट वरी डॉक्टर साहब, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी मामा जान को बचा दो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो इस दुख के साथ हम भी नहीं जी पाएंगे। हम जो कर सकते थे हम कर चुके, अब तो सिर्फ इस बात पर भरोसा रखें कि अगर उनकी जिंदगी होगी तो वो बच जाएंगी। आप लोग बस दुआ करें उनके लिए। थैंक यू वेरी मच। आफाक, हाँ आफाक, ये सब क्या चल रहा है? आफाक, तुम उनसे बात तो करो। आफाक भाई, कौन है फोन पे? नहीं, वो अर्जुन थे। हे मेरे अल्लाह, मैंने बचपन से लेकर आज तक मैंने तुझसे बहुत दुआएं मांगी, लेकिन कभी कोई पूरी नहीं। लेकिन आज
आज मैं तुझसे अपनी माँ की जिंदगी मांगती हूँ, अल्लाह मेरी दुआ पूरी कर देना। तू मुझसे मेरी जिंदगी ले ले, लेकिन मेरी माँ को जिंदगी लौटा दे। इसके अलावा मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। मेरी तकदीर में जितने भी गम हो सब हंस के गुजार लूंगी, लेकिन अल्लाह मेरी माँ को जिंदगी दे दे। या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा। I'm sorry, Dad. मामा ने जब मुझे सब कुछ बताया तो मुझे बहुत दुख हुआ। अरे बेटा, बच्चे अगर इतनी दूर की सोचने लगे हैं तो उन्हें बच्चा कौन कहेगा? नहीं डैड, मैं वाकई खुद गर्ज हो गया था। ये बात सच है कि मैं मीनार से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि उससे पहले तो आप लोग हैं मेरे लिए। मैं आप लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूं। कमाल है, इतने जज्बाती से पहले हो तुम कभी नहीं हुए। पहले कभी ऐसी सिचुएशन भी तो नहीं आई थी। चलो, देर आए दुरुस्त आए, हम तुम्हारे लिए मीनाल से ज्यादा खूबसूरत लड़के देखेंगे। अच्छा डैड, अब आप ये भी ना समझ बैठे कि मैं मीनाल से दस्तबरदार हो गया। क्या मतलब? शादी तो मैं मीनाल से ही करूंगा, लेकिन भगा कर नहीं करूंगा। आपको भगा कर शादी करने पे प्रॉब्लम है ना? मैं 500 लोगों के सामने शादी करूंगा। आपका दिल चाहे जिस मेहमान को बुलाना चाहे आप बुला सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे बेटा, डैड अब आपको भी मुझसे मोहब्बत का सबूत देना होगा। ओके? अरे उल्लू, वो शख्स क्यों करेगा अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ? वो तो उसे किसी के साथ भी ब्याहना नहीं चाहता, म्यूजियम का पीस बना के उसे अपने घर में रखना चाहता है। वो आप मुझ पर छोड़ दें, हम लड़की को उसके घर से ही लेकर आएंगे और बकायदा बारात के साथ लेकर आएंगे। अच्छा, कैसे होगा ये बताओ? मैंने कहा ना, मुझ पर छोड़ दें। अच्छा बेटा, कर लो अपनी मर्जी। डैड फिर वही बात। अरे भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कर लो अपनी मर्जी, कम से कम इज्जत का कबाड़ा तो नहीं होगा ना। थैंक यू डैड, I love you. I also love you, beta. उसी लड़के का फोन आया है, तुमसे बात करना चाहता है। आप उन्हें कह दें कि मैं उनसे बात नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं कहते मीना, हो सकता है कि आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत अच्छा साबित हो। क्या खूबसूरत बात कही है तुम्हारी भाभी, मेरी तरफ से 100 में से 100 नंबर।
एक्सीलेंट। लेकिन ये बताओ कि बात क्या हुई है? यहाँ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। क्या मतलब? अभी बाबा जान डेथबेड से उठे ही थे कि मेरी अम्मी जान मौत से जंग लड़ रही है। क्या 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 हुआ है उन्हें? हार्ट अटैक। ओह गॉड, हार्ट अटैक? क्या वो पहले से हार्ट पेशेंट थी? नहीं, मैंने बना दिया उन्हें हार्ट पेशेंट। अच्छा, लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। मैंने आपसे कहा था कि मेरे पीछे मत पड़े, मैं आम लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मुझे आजाद रहने का कोई हक नहीं है। मुझे तो रोना भी हो तो मेरी सिसकियों की आवाजें मेरे कमरे से बाहर जाने का हुक्म नहीं है, और आप है कि मेरी आवाज के दीवाने बनकर मेरे घर ही पहुंच जाए। अब बताएं मैं क्या करूं? आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए क्या मैं अपने बाबा जान की मौत का इंतजार करूं? सब्र से काम लो। आपने सब्र से काम लिया था? आप तो अब भी नहीं समझ पा रहे, इस घर में जो भी हो रहा है आपको तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने जो करना है आप करते रहे। हमारे अब्बाजान साफ अल्फाज में कह चुके हैं कि वो मिनाल की कहीं भी शादी नहीं करेंगे। इसके बाद भी तुम सोचते हो कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे? आपके बाबा जान तो क्या, अगर आप भी इस रिश्ते से इनकार करेंगे तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन यूं समझे कि अल्लाह ने उन्हें दोबारा जिंदगी दी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मुझे उम्मीद है कि उनकी तबीयत संभल जाएगी, आप लोग भी उनके लिए दुआ करें। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? तुम यहाँ कैसे आए हो? एक्चुअली आपके घर फोन किया था, शायद आपकी वाइफ से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि आप लोग हॉस्पिटल में और अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं है। तुम चाहते क्या हो अब? हाँ, मैं जानता हूँ। क्या हम मिल चुके हैं पहले? किस सिलसिले में? हाँ, एक मिनट ठहरो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सलमान, तुम जानते हो ना कि जो तुम चाहते हो वो कितना मुश्किल है? जानता हूँ। कहाँ तक चलोगे हमारे साथ? जब तक वो पा नहीं लेता जो चाहता हूँ। और तुम्हारे पेरेंट्स? वो मेरे साथ। हमारे घर में जो उनकी बेइज्जती हुई उसके बावजूद भी? जी हाँ। आइंदा भी कभी ऐसा हुआ तो बोलो सलमान, क्योंकि जितना तुम समझ रहे हो ये उतना आसान नहीं है। हमारे अब्बाजान साफ अल्फाज में कह चुके हैं कि वो मिनाल की कहीं भी शादी नहीं करेंगे। इसके बाद भी तुम सोचते हो कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे? आपके बाबा जान तो क्या, अगर आप भी इस रिश्ते से इनकार करेंगे तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। अपनी मंजिल पाके रहूंगा। एक बात तो बता, कब से जानते हो तुम मिनाल को? तकरीबन 2 हफ्ते से। कहाँ देखा तुमने उसे? हाँ, जब मैं आपके घर से अपनी और अपने पेरेंट्स की बेइज्जती करवा के निकल रहा था तब शायद मिनाल अपने कमरे के दरवाजे पे खड़ी थी। आफाक भाई, आप मेरा यकीन करेंगे मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप मुझे अपनी बहन की खुशकिस्मती की वाहिद उम्मीद समझ सकते हैं।
मैं जानता हूं कि आप दोनों भी यही चाहते हैं। ना हमें अबीर से उम्मीद है और ना फाहम से, और फाहम जैसे खुद सर्ज है हमें वारिस नहीं चाहिए, हमें अफाक से वारिस चाहिए। हमने तो ये सोचा था कि मेहमान के आने से पहले ही हम बाबा जान को सब कुछ बता देंगे, लेकिन लेकिन हमें कुछ करना होगा अबीर। आपका ये बेटा मुझे तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि इस बेहुदा और बेशर्म औरत के बच्चे का ये बाप बनने वाला है। पाबंदी ये इल्तिजा जैसे इन पे तू